नमस्ते दोस्तों, ये अपने आप में एक मॉडल है जिसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो करने के लिए ये एक कॉयल है और इसमें लगभग 400 टर्न है और एक वायर से कनेक्ट करते हुए इसको एक पेंडुलम की फॉर्म दी हुई है और ये पेंडुलम इस बार मैग्नेट की एक्सिस के अलोंग मूव करता है। इसका कनेक्शन यहाँ पर एक मल्टीमीटर से किया हुआ है और मल्टीमीटर में आप इसके मिली एम्पियर्स और मिली वोल्ट्स कितने क्रिएट होंगे ये हम इसमें शो करेंगे। मिस्टर दीपांशु ने ये शो किया है कि जैसे ही मैग्नेट और कोयल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगी तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोयल के अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा और क्लोज्ड पाथ में एक इंड्यूस्ड करंट पास होगी, जैसे फैराडेज लॉ वेरीफाई होंगे। यहाँ हम दो तरीके से मूवमेंट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फिक्स बार मैग्नेट के एक्सिस के अलॉन्ग ये जब कोयल मूव करेगी तो आप देखिए 1.11, 1.55, 1.70, 1.36 मिली एम्पियर तक करंट पास हुई है। आप देखिए 2.13 मिली एम्पियर, 1.65 मिली एम्पियर तक इंड्यूस्ड करंट इसमें पास। इसी तरह से अगर किसी फिक्स कोयल के एक्सिस के अलॉन्ग अगर किसी बार मैग्नेट को मूव कराएं तो आप देखिए 3.64 मिली एम्पियर करंट इंड्यूस्ड करंट बनी है और ये देखिए 2.96, 3.72, 4.20, 4.32 और ये 4.58। आप देखिए जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो रिलेटिव मोशन में, चाहे कॉइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे या रिलेटिवली दोनों मूव करें, तो उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट पास हो जाती है और यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।